जून में दरभंगा आएंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बुधवार को डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम से कोविड 19 की स्थिति एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर वार्ता की। सांसद ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई एवं यात्री सुविधा से जुड़े कार्यों को पूर्ण किए जाने के लिए डीएम को पत्र भी सौंपा। सांसद ने कहा कि जून में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दरभंगा आएंगे और नवनिर्मित दरभंगा एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट की अपार संभावनाओं एवं यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे जल्द से जल्द विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसको लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार पूरी तरह तत्पर है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर मूलभूत यात्री सुविधाओं का विकास व महत्वपूर्ण समस्याओं का निराकरण जल्द होगा। सांसद ने एयरपोर्ट वाली सड़क से मुख्य प्रवेश द्वार तक और मुख्य प्रवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक यात्री शेड का निर्माण, सभी सुविधायुक्त नए और बड़े टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण और बहुस्तरीय वाहन पार्किंग की व्यवस्था सहित अन्य संबंधित कार्यों को अविलंब पूर्ण किए जाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने को डीएम को कहा। उन्होंने सुरक्षा दृष्टिकोण और विमानों के निर्बाध परिचालन के लिए एयरपोर्ट परिसर के अंदर नील गाय एवं अन्य जंगली पशुओं को हटाए जाने और चार दीवारी का अविलंब निर्माण घेराबंदी किए जाने को कहा। सांसद ने कहा कि टर्मिनल भवन को सीधे सड़क संपर्क देने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। डीएम ने कहा कि एयरपोर्ट परिसर के अंदर नील गाय वाले क्षेत्र की घेराबंदी को तत्काल ऊंचीकरण किया जाएगा ताकि वन परिक्षेत्र से नील गाय बाहर न आ सके। इसके साथ साथ नील गायों को वन परिक्षेत्र से हटाए जाने के लिए विभागीय कार्य चल रहा है। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर सभी बुनियादी एवं यात्री सुविधाओं के समुचित विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण होगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एयरपोर्ट का विकास कार्य तेज गति से होगा। संयुक्त बीएड इन ट्रेन्स के लिए 1,00,000 से अधिक आवेदन। प्रदेश भर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन कराने के मद्देनजर पूर्व से निर्धारित बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई तक कुल 1,16,738 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से 1,11,256 अभ्यर्थियों ने शुल्क का भी भुगतान कर दिया है, जबकि 5,482 अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि तक भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की थी। वैसे शनिवार को बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर 5 जून कर दी गई है। मालूम हो कि कुलाधिपति ने वर्तमान वर्ष 2021 में बीएड में नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय घोषित कर रखा है और पिछले साल भी इसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रक्रिया पूरी की गई थी। नोडल विश्वविद्यालय ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्षेत्रांतर्गत स्थित बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करने के लिए कुल 11 परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव रखा है। अमूमन प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र में न्यूनतम एक केंद्र प्रस्तावित है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अभ्यर्थियों के जो आवेदन मंगलवार तक प्राप्त हुए हैं, उनमें अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र चुनने के लिए पहला विकल्प दिया है। इसके आधार पर विभिन्न केंद्रों के लिए आवेदन की संख्या निम्न प्रकार है। सबसे अधिक आवेदन पटना स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए 33,641, जबकि सबसे कम मुंगेर स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए 3,646 है। इसके अलावा आरा 7,476, भागलपुर 8,436, छपरा 3,899, दरभंगा 10,928, गया 12,939, मधेपुरा 6,843, मुजफ्फरपुर 13,297, पूर्णिया 6,380 एवं हाजीपुर 3,811 अभ्यर्थियों ने पहले विकल्प के रूप में चुना है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत स्थित 332 बीएड कॉलेजों की कुल 36,150 सीटों पर नामांकन के लिए अब 11 जून को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सीटी बीएड 2021 आयोजित होगा, जिसमें अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन सीटों में 34,700 सीट सामान्य श्रेणी तथा 1,450 अल्पसंख्यक कोटि के अभ्यर्थियों के लिए है। पिछले साल सामान्य सीटों पर 32,512 तथा अल्पसंख्यक की सीटों पर 1,307 अभ्यर्थियों के नामांकन हुए थे, शेष सीट रिक्त रह गई थी। स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण के कारण लगातार दो बार बढ़ाई गई आवेदन की तिथि से अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती गई है। इधर कोविड 19 संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर एक बार नामांकन प्रक्रिया के कार्यक्रम घोषित किए गए हैं।
इसके अनुसार अब सीटीवी एड परीक्षा 11 जुलाई को होगी। स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने मंगलवार को संशोधित कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थी बिना विलम्ब शुल्क के 5 जून तथा विलम्ब शुल्क के साथ 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार तथा शुल्क भुगतान 9 और 10 जून को किया जा सकेगा। प्रवेश पत्र निर्गत करने की संशोधित तिथि 1 जुलाई जबकि प्रवेश परीक्षा 11 जुलाई। दरभंगा में याज से नदी किनारे वालों को अधिक खतरा। याज तूफान को लेकर दरभंगा जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। इससे लोग सशंकित दिख रहे हैं, खासकर नदी किनारे रहने वाले लोगों को इससे अधिक खतरा है। जानकार बताते हैं कि नदी के दोनों बांधों के बीच वाले क्षेत्र में कोई अवरोध नहीं रहता, फलस्वरूप इस क्षेत्र में हवा की गति अपेक्षाकृत अधिक तेज होती है। इस वजह से बागमती नदी के दोनों तटबंधों पर बसेरा बना चुके लोग काफी चिंतित हैं। तूफान की आशंका से सहमे नदी के पास रहने वाले लोग सुरक्षा के लिए अपने घर के एस्बेस्टस और टीन के छप्परों को एक बार फिर मजबूत तार और रस्सियों से बंधन दे रहे हैं ताकि तूफान में उनका आशियाना न उजड़े। तूफान आने पर अगर उनके घर क्षतिग्रस्त होते हैं तो सरकार उनकी क्या मदद करेगी, यह सवाल भी उनके जेहन में कौंध रहा है। हालांकि BDO राकेश कुमार का कहना है कि आपदा की स्थिति में निपटने के लिए प्रखंड प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिला स्तर पर बनाया गया नियंत्रण कक्ष, आपदा प्रबंधन विभाग ने भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन प्रभाग भारत सरकार के हवाले से कहा है कि बंगाल की खाड़ी में 24 मई को यास नामक चक्रवात बना है जिसके प्रभाव से 27 से 30 मई तक मध्य बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान वज्रपात व भारी से अत्यंत भारी वर्षापात होने की आशंका है। इस चक्रवात से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने, निचले इलाकों में जल जमा होने, गृह क्षति, फसल क्षति, मोबाइल टावर आदि के नुकसान होने की आशंका है। इसके आलोक में DAM डॉक्टर त्यागराजन SM ने जिले के सभी CO व SDO को स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही इससे संबंधित सूचना के आदान प्रदान के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसका फोन नंबर 0627225455 है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 DMCH के लिए 2 पूर्ण क्षमता वाले जेनरेटर विकल्प के रूप में रखे गए हैं। साथ ही सभी निजी अस्पतालों को विद्युत आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जेनरेटर करने के निर्देश दिए गए हैं। दरभंगा में ब्लैक फंगस के 3 संदिग्ध मरीज मिले, 2 दरभंगा व 1 सहरसा का निवासी। दरभंगा में ब्लैक फंगस के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं, इनमें 1 सहरसा व 2 मरीज दरभंगा जिले के हैं। सहरसा जिला के मरीज को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कान नाक व गला विभाग के ब्लैक फंगस के संदिग्ध वार्ड में भर्ती कराया गया है। मरीज की MRI जांच DMCH स्थित मेदांता जांच घर में कराई गई है। रिपोर्ट गुरुवार को चिकित्सक को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद मरीज की इंडोस्कोपी वार्ड में ही होगी। रोगी की निगरानी के लिए चिकित्सकों की एक टीम को लगा दिया गया है। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एम के बोस ने बताया कि यह मरीज संदिग्ध है, जांच कराने के लिए सलाह दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस तरह के लक्षण कई अन्य बीमारियों में भी होते हैं। दूसरी ओर इस जिले के 2 संदिग्ध मरीज शहर के एक निजी नर्सिंग होम में आए हैं। लक्षण ब्लैक फंगस का बताया गया है, लेकिन वह अब तक एक भी दवा का सेवन नहीं किया था। मरीज की स्थिति ठीक थी। इस तरह के लक्षण वाले मरीजों का इलाज संभव होता है। अजब प्रेम की गजब कहानी। दरभंगा में भाई बनकर प्रेमिका के ससुराल पहुंचा प्रेमी, नकदी जेवरात के साथ उड़ा ले गया नवविवाहिता को। अपने प्रेमिका की शादी होने के बाद भी प्रेमी की चाहत कम नहीं हुई और पहुंच गया प्रेमिका के ससुराल भाई बनकर। ससुराल वालों ने लड़के की खूब खातिरदारी की ये सोच कर कि बहू का भाई आया है, पर मौका देखते ही प्रेमी जोड़े नगद व जेवरात लेकर ससुराल से फरार हो गए। ये अजब प्रेम की गजब कहानी बिहार के दरभंगा जिले की है। इसे जिसने भी सुना हैरान रह गए। यह है पूरा मामला। प्रेमी की चाहत प्रेमिका की शादी होने के बाद भी कम नहीं हुई। प्रेमिका को पाने के लिए वह चचेरा भाई तक बन गया। प्रेमिका के ससुराल पहुंचने पर घर वालों ने खूब खातिरदारी की, बहू का भाई आया है। यह जानकार पाटपम रेक लजीज विमंजन परोसे गए। घर वालों को क्या पता था कि यह भाई नहीं बल्कि बहू का प्रेमी है और बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। रात्रि में सभी सो गए।
सुबह में जब घर वालों की नींद खुली तो घर में न तो बहू थी और न उसका चचेरा भाई। शक होने पर घर के सामान को लोग देखने गए। इस दौरान बक्सा टूटा हुआ मिला, 70,000 नकदी और जेवरात गायब थे। घर वालों ने बिना समय मनवाए बहू के मां के पहुंचे और घटना की जानकारी दी। इसके बाद बहू के पिता ने माफी मांगते हुए कहा कि जिसके साथ उनकी लड़की भागी है वे उसका चचेरा भाई नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। यह सुन पीड़ित पक्ष के पांव तले जमीन खिसक गई। मामले को लेकर जालिक थाना क्षेत्र के खोरिया टोला निवासी विजय यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें पत्नी आरती देवी और उसके प्रेमी मधुबनी जिले के बिस्फी थाना स्थित नूरचक निवासी विजय यादव को आरोपित बनाया है। कहा है उनकी शादी 1 मई को नूरचक गांव के आरती के साथ हुई थी। इस बीच 20 मई को आरती का प्रेमी चकमा देकर उसके घर पहुंचा और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया।